Professor Baba. बागेश्वर का दरबार इस समय नौबतपुर में ही लगा हुआ है और पूरे बिहार से लाखों की संख्या में उनके भक्त उस पंडाल में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नेता भी वहां हाजिरी लगा चुके हैं, कुछ नतमस्तक भी दिखे, लेकिन इन सब के बीच में उनके पोस्टर्स पर कालिक पुतने के बाद से अब विवाद बढ़ना तय, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में पहले राजनीति गरमाई और वो अभी भी चल रही है, और इसमें एक और नया विवाद जुड़ गया है, वो है पोस्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये विवादित नारे भी इस पर लिखे गए हैं, कालिक पोते गए। अब ये कालिक पोतने वाला कौन है वो आप देख सकते हैं, अभी इसकी पहचान उजागर नहीं हुई है। एक शख्स जरूर नजर आया है जो कालिक पोत रहा है और ये विवादित नारे लिख रहा है। अभी क्या किसी विशेष राजनीतिक दल का शख्स है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक होना इस पर तय है। मुख्यमंत्री ने भी कल बयान दिया, आरजेडी जेडीयू के लीडर्स बयान दे रहे हैं, और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो लगातार विपक्ष जो दूसरे राजनीतिक दलों हैं जो सत्ता पक्ष है वहां का उनको लगातार घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें सामने आए हैं। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तब तक आते रहेंगे और बिहार से उसकी लौ जलाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे, आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं तो बातें नहीं आता, इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे अब बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है, जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है, आ कोई कर सकता है, सब बिहार से करने की कोशिश कर रहे हैं, नामकरण हुआ है, बताइए साहब आप लोग कोशिश करेंगे कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है, वहाँ वहाँ है बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ, यहाँ तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो सब आते हैं, तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे, और हम लोग तो सभी कौन है बाबा, बाबा कौन, बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो है वो देवराहा बाबा थे, देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं, कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं।
कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है, शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। ओ साधु जी, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है, हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। धाम तरियत पाली में आ रहे हैं और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध राजनीतिक पार्टियां अपने क्या उसको बोलते हैं फेमस होने के लिए कर रही है। तेज प्रताप को बिहार जानता था, ये सब देश जानने का ये भी बात है। वो है तेज प्रताप क्या है, IAS अफसर हैं, वो लालू के बेटा हैं, मंत्री बन गए हैं, बोल रहे हैं, और क्या है वो? अगर लालू के बेटा नहीं होते तो क्या एक एग्ज़ाम भी वो दे पाते हैं? क्योंकि उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन है क्या उनके पास? 9th फेल है। बिहार की जनता सब पढ़ा लिखा, आज एक सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, एक पीयून का भी नौकरी निकालिएगा ना, तो भीड़ जमा होती है, लेकिन लग भी नहीं पाता है। ये 10 लाख नौकरी, 20 लाख कुछ है ही नहीं, सब फालतू का सरकार है। केंद्र को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगा दे यहाँ पे। ये लोग तो कह रहे हैं कि तेज प्रताप जब पहुँचेंगे बागेश्वर धाम यहाँ पर, तो एयरपोर्ट पर उनके लोग पहुँचेंगे, विरोध करेंगे उसका। तो एयरपोर्ट पर सिर्फ उन्हीं का लोग पहुँचेंगे, और जो बाबा का समर्थक वो भी तो पहुँचेंगे। तो उनका समर्थक क्या है, हम लोग का समर्थक क्या है, वो तो दुनिया देख रही है। ये परशुराम का धरती है, अच्छा अच्छा हिला है। मीसा भारती यहीं से 2 बार चुनाव हारी, उनके बाबूजी लालू जी भी हारे हैं। हम तो बोल रही बात, तेज प्रताप यहीं से लड़ लिए चुनाव, आप भी देख लीजिए नवतपुर की धरती क्या धरती है। DSS बना लिए हैं वो। DSS ये सब कौन है? DSS हमको तो पता भी नहीं, हम तो पहली बार नाम ही सुने। RSS सुने भी, बचपन से भी सुने थे। ये DSS मतलब क्या, हम भी बना देंगे CSS तो क्या हो जाएगा उससे? बिहार के मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा तेज प्रताप जी जो बयान दिए हैं कि हम एयरपोर्ट पर रोकने का काम करेंगे, उनके पावर नहीं है कि हमारे बागेश्वर बाबा के रोक दे सनातन धर्म से। उसको चुनौती देते हैं कि रोक के देखिए, हम लोग लाठी ले के उनके लिए खड़ा है और खड़ा रहेंगे, और 7 दिन उनके साथ रहेंगे। बिहार के धरती पर आ रहे हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और लोग धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हमारे धरती पर आ रहे हैं, हमको दिल से स्वागत करते हैं। और तेज प्रताप को हम चुनौती देना चाहते हैं कि रोक के देखें आप। आपने एक सवाल किया कि सरकार रोक रही है, हालांकि सरकार की तरफ से तो बातें आ रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, इस पर विरोध है? बाबा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बाबा के दरबार पर सब आते हैं, बाबा के दरबार पर सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करते, खाली अपने धर्म के सनातन धर्म के बात बोलते हैं खाली बाबा, और किसी धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते हैं। ओ साधु जी, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा।